असलम एवरी वन यू ऑल फाइन अम नत मेर वेलकम टू सी एतीफ़ अकेडमी आज जो है हमारे जे के हिस्ट्री का लेक्चर नंबर फाइव है जिस जिसमें हम क्या कवर करेंगे आज गोनंदा डाइनीस्टी राइट योर राइट गोनंदा डायनेस्टी तो सबसे पहले डायनेस्टी थी ये तो हमने ऑलरेडी कवर किया था बट गोनंदा डायनेस्टी जो है ये फिर से सेकेंड टाइम रूल करने आई थी कश्मीर पर जूह कुशंस जो है उनका डाउनफॉल हो गया था तो गोनंदा डायनेस्टी जो है वो फिर से पावर में आ गई थी सो दिस डायनेस्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स सो इस वजह से हमें ये बहुत ही डिटेल में कवर करना पड़ेगा ठीक है सो so, आज जो है हम गोनंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर को ज़रूर करें राइट और कमेंट भी किया करें राइट right? <laughs> चलो ठीक है अब जो है आज हमारा टॉपिक है गोनंदा डायनेस्टी राइट right? और प्लीज़ मुझे जो है ये सीरीज़ बहुत अच्छे से कवर करना है इन तो प्लीज़ उसके लिए आप लोगों को भी पेशेंस रखे रखनी पड़ेगी आप लोग हमेशा बोलते हैं मैम प्लीज़ उसको मैराथन से कवर करो या फास्ट कवर करो ऑल दैट उससे क्या होगा मुझे भी वैसे आई हैव टू ऑल्सो गो थ्रू ऊ ऊ ऊपर ऊपर से ही राइट right? तो आई अश्योर यू कि ऐसी सीरीज़ विच कवर्स यू इन अ वेरी ब्रीफ तो ऐसा आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा आई अश्योर यू दिस थिंग यू विल रियली फाउंड दिस वेरी सीरीज़ बेनिफिशियल फॉर यूर एवरी एग्जाम वेर एवर द मैंशनड जेके हिस्ट्री सो प्लीज़ लेट मी कवर दिस इन अ वेरी ब्रीफ वे ताकि आप आज पढ़ो दोबारा आपको इसके पढ़ने की जरूरत ना पड़े आई वॉन्ट टू कवर इट लाइक दैट सो उसके लिए आप लोगों को भी पेशेंस रखनी पड़ेगी प्लीज़ एंड गिव मी ऑल्सो ए टाइम एंड आई अशोर यू यू विल ऑल्सो कवर आई विल कवर योर सेलेबस ऑन टाइम इन शाला राइट तो चलो और पी डी एफ़ आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है सी ए लतीफ़ के नाम से वहाँ से आप जॉइन कर सकते वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी और ऐप पर भी और थोड़ा टाइम लगता है डोंट वरी एवरी थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू टिल दैन यू कैन राइट योर ओन नोट्स राइट दैट बिकम्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द पॉइंट ऑफ और आपको बहुत टाइम तक हर एक पॉइंट जो है वो याद रहता है राइट तो चलो अब हम आगे चलते हैं आज अपने टॉपिक के ओर राइट पहले जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो लास्ट लेक्चर में मैं कवर करना कवर तो मैंने किए थे बट पी में वो कवर नहीं हो गए थे तो आई एम सॉरी फॉर देट और वो मैंने आज यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें जो है कुशाना डायनेस्टी के बारे में कलहाना ने अपने राज तिरंगनी में तीन रूलर्स को मेंशन किया था ठीक है मतलब मोस्टली मेंशन किया था इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट मार्क करके तो उसमें क्या था एक पहला था खुशका जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था पूरा फिर जिसका जिन्होंने एस्टेब्लिश किया जिसका पूरा एंड देन कनिष्का हु फाउंड द कनिष्का पूरा जिसके बारे में कनिष्का वॉज द वॉज नोन एज द ग्रेटेस्ट टेम्पेयर ऑफ द कनिष्का डायनेस्टी तो इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल में सारा कुछ कवर किया है तो उस वजह से ये एक पॉइंट जो ये रह गया था तो अब जो है और एक बात कि कनिष्का ने अपने कोर्ट में जो है जिनको पैटरनाइज किया था मतलब जो उसके नोबल पर्सन थे उनके कोर्ट में तो उसके बारे में मैं पीडीएफ में ये ये लिखना भूल गई थी सो आई राइट इट हियर पहले जो थे वो अश्वघोष थे जो पॉइट थे किसके कोर्ट में गर्ड कनिष्का के कोर्ट में और उन्होंने क्या लिखा था बुधा चरिता यानी कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा एंड नागर जुना वॉज ऑल्सो अनदर पर्सन जिन्होंने क्या लिखा मदामिका मदामिक मदयामिक सूत्र राइट right? और इसमें उन्होंने क्या लिखा था कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी जस्ट इमेजिन किस टाइम पे उन्होंने रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया था और सो ही इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन एनस्टाइन राइट तो वन मोर पर्सन वासु मित्रा जो कि चेयरमैन बने थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के देखो जो भी बादशाह जो है वो जब कोई भी काउंसिल ऑर्गेनाइज करते थे कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे वो खुद थोड़ी जाके वहाँ पे अरेंजमेंट्स करते थे वो किसी उस इंसान को रेस्पॉन्सिबिलिटी देते थे, थे जो जिस पे उसको ट्रस्ट होता था, था कि ये कि ये रेस्पॉसिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाएंगे तो उस वजह से वो अपने काउंसिल के उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रखते थे राइट तो चेयरमैन कौन बने थे वासुमित्रा ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पर्सन इन इन हिज कोर्ट राइट एंड वाइस पर्सन वाइस चेयरमैन कौन बने थे वो बने थे अश्वघोष जो कि पॉइट थे राइट right? और उसके बाद एक और पर्सन थे जिसका नाम था चरक और उन्होंने क्या लिखा है चरक संहिता और ये चरक संहिता जो है ये बुक थी मेडिसन पे जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ था कि कौन सी मेडिसिन हम कैसे बनाएंगे क्योंकि तब जो है जदी बोडी का टाइम होता था इंग्लिश मेडिसिन वॉज नॉट दैर सो so, इसीलिए इसको क्या ही इज़ ऑल्सो नोन एज ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन राइट तो आई होप ये पॉइंट्स आपको कवर हो चुके होंगे ये सारे पॉइंट्स जो है ये कुशाना डायनेस्टी के रह गए थे सो so, अब आपको कोशाना डायनेस्टी जो है पूरी डिटेल में कवर होगी अगर आपको किसी भी डायनेस्टी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आई विल ट्राई टू गिव द आंसर और रिप्लाई टू एवरी राइट तो चले अब अब जो है हमारा आज का टॉपिक है दैट इज गोनंदा डायनेस्टी राइट अब हम गोनंदा डायनेस्टी इट इज एक्चुअली द गोनंदा डायनेस्टी सेकंड जो है जब वो सेकंड टाइम आए थे उनके बारे में पढ़ते हैं राइट right? देखो जैसे कि हमने पहले ही फ़र्स्ट लेक्चर में ही कवर किया था कि कल्हाना ने क्या लिखा था राज तरंगनी और उन्होंने राज तरंगनी कब कवर की थी महाभारता से थोड़े टाइम पहले ये माना जाता है कि महाभारत पीरियड जो है वो कब स्टार्ट होता था वो अराउंड थ्री वन जीरो टू बी के अराउंड स्टार्ट हुआ था बट कल्हाना ने कब लिखना शुरू किया था राज तिरंगनी थ्री थाउजेंड राइट right? तो उसमें तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू रंगनी उन्होंने बोला था आपको ये पता होगा कि उन्होंने बोला था कश्मीर का जो पहला किंग था वो कौन थे गोनंदा फर्स्ट राइट right? और फिर वो वार में चले गए थे किसके किसके -किस -किस साथ कृष्णा मतलब कृष्णा के खिलाफ वार में चले गए थे फिर उन, उन, उन कृष्णा ने उनको मार डाला राइट केलड हिम उसके बाद उसका जो बेटा है दामोदर फर्स्ट आ गए उन्होंने थ्रोन किया फिर उसको भी वो भी उन्होंने भी जब अपने बाप का बदला लेना चाहा तो कृष्णा ने उन्हें भी आ, मार दिया राइट फिर उसके बाद जो कृष्णा ने उसकी वाइफ जिसका नाम था यशोमती राइट उसको जो है क्वीन बनाया फिर देन शी गे बर्स टू गोनंदा सेड मतलब जो उसके बेटे थे उसको uh, उसका नाम गोनंदा सेकंड रखा गया फिर वो बन गए किंग लेकिन वो कब बादशाह बने वो तब तो बहुत इन्फेंट थे राइट ही वॉज ही वॉज अ चाइल्ड तो उस वजह से जब उसी के टाइम में ड्यूरिंग द रीन ऑफ द गोनंदा सेकेंड महाभारत स्टार्ट राइट जंग होगी अब महाभारत जो है ये पता ही आपको कि ये दो कज़न्स ग्रुप ऑफ कज़न्स थे उन्होंने उनके बीच में ये लड़ाई हो गई थी किन किन को, जिनका क्या नाम था कारवाज़ एंड पांडवाज राइट पांडवाज और, और कारवाज़ के बीच में ये लड़ाई हो गई थी किस किस पे हुई थी उन्होंने किंगडम एक थी जो हस्ती जो है जो प्रेजेंटली मेरठ यूपी है उस पर उन्होंने वो लड़ाई की थी और लेकिन जंग कहाँ हुई थी ये हुई थी हरियाणा में तो फिर उसका नाम कुछ और रखा गया था राइट आल्सो दिस महाभारत पीरियड इज़ आल्सो नोन विद द अनदर नेम सो प्लीज़ वो आप मुझे बता दोगे कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ महाभारत पीरियड राइट सॉरी पीरियड नहीं महाभारत वॉर ठीक है तो उस वजह से फिर जो है उसके बाद गोनंदा सेकंड जो थे वो चूँकि बचे थे तो उनको आ, उसको ना अलाइंस में ना उसको कारवाज़ ने बुलाया ना पांडवाज़ ने बुलाया राइट क्योंकि वो बचे थे ना तो उस वजह से फिर जो है गोनंदा गोनंदा सेकंड को जो है उसके ही मिनिस्टर ने मार दिया और उन्होंने फिर अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की थी ये सारा आपको पिछले लेक्चर्स में कवर हुआ है अगर आपको ये कुछ नया नया सा लग रहा है तो प्लीज़ जो पीछे लेक्चर्स कवर हुए हैं आप पहले उसके थ्रू हो जाए फिर आपको ये समझ आएगा ठीक है ये मैंने इसलिए पीछे का बोला ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए आपको याद आ जाए कि नहीं हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ठीक है फिर उसके बाद जो है गोनंदा डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई थी वहाँ पर राइट फिर अब जो है जब हमने अब कुशाना डायनेस्टी के बारे में पढ़ा जब कुशाना डायनेस्टी का डाउनफॉल हो गया वो ख़त्म होगी तो गोनंदाज है ये फिर से पावर में आ गए ठीक है तो गोनंदा किंग थे एक जिसका नाम था अभिमन्यु फर्स्ट राइट मतलब अभिमन्यु नाम था तो उन्होंने क्या था उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया कश्मीर से रजौरी ड्यूरिंग विंटर्स क्योंकि आपको पता है कश्मीर में विंटर्स जो है वो थोड़ा harsh होते हैं तो जम्मू रीजन में वो ठीक होते हैं ठीक है तो वो क्या करते थे विंटर्स में उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया कश्मीर टू राजौरी राइट तो किसने किया अभिमन्यु ने हु वॉज द अभिमन्यु ही वॉज वन ऑफ द गोनंदा किंग राइट सॉरी वन ऑफ द गोनंदा डायनेस्टी किंग राइट ठीक है तो उसके बाद जो है जो कुछ और रूलर्स आए थे इस गोनंदा डायनेस्टी में जिसका नाम था गोनंदा थर्ड और गन गोनंदा थर्ड जो है ये माने जाते थे है कि ये अम, मतलब ग्रेट एम्पायर रहे हैं गोनंदा डायनेस्टी के सेकंड पीरियड में मतलब जब उसका सेकंड रीन स्टार्ट हो गया गोनंदा डायनेस्टी का इसमें जो इसका ग्रेट ग्रेट एम्पायर जो माना जाता है वो गोनंदा थर्ड को माना जाता है ठीक है फिर विभीषण फर्स्ट और किंग नारा देखो किंग नारा ने जो ये माना जाता है कि इसने थाउजेंड्स ऑफ वहाराज जो है वो जलाए थे वहाराज मीन्स ये मैंने बोला है कि वहाराज जो है ये थे रेजिडेंट्स जो वो बुद्धिस्ट बुद्धज़म जो है जो फैला रहे थे जो मॉक्स थे वो जहाँ पर रहते थे जो उनका रेजिडेंट होता था रेजिडेंस जो उनका होता था वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे उसको क्या बोलते थे वहाराज तो किंग नारा का बोला जाता है कि इसने थाउजेंड्स ऑफ वहाराज जलाए थे वो क्यों क्योंकि गोनंदा डाइनेस्टी जो है ये ब्रहनिज़्म को फिर से रिवाइव करना चाहती थी ये कश्मीर में ब्रहनिज़्म जो है वो फिर से स्टार्ट करना चाहते थे और ये बहुत ही खिलाफ थे बुद्धिज़म के देवर्ट दे रिवाजम और उस वजह से इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ बिहार को जला दिया था किसने किंग नारा ने राइट right? फिर इसके बाद ये बोला जाता है कि जब इंडिया में गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी का रूल था कश्मीर तब इंडिपेंडेंट स्टेट रही है बट जब गुफ्ता एम्पायर मतलब इंडिया में कमज़ोर होने लगी जब वो डायनेस्टी ख़त्म होने लगी तो तब क्या हुआ कश्मीर में किन्हों ने हुकूमत करना स्टार्ट किया वो कश्मीर किन के हाथों में आ गया ह्यून्स ठीक है ह्यून्स आ गई थी एक और एम्पायर तो उस उन्होंने इस को कवर किया था उन्होंने इसको कश्मीर पे अब हुकूमत करना स्टार्ट किया था ठीक है हूं के बारे में पढ़ने से पहले पहले हम यहाँ पर ये चीज़ आ पहले होता ना गोनंदा डायनेस्टी जो कि कलहाना ने अपनी राज तिरंगनी में बोला है उसको हम बोलते हैं गोनंदा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर राइट तो ये वो डायनेस्टी है जो गोनंदा फर्स्ट ने स्टार्ट की थी राइट फिर जब गोनंदा थर्ड जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ा सा बोला तो ये को इस इस वाली डायनेस्टी को क्या बोलते हैं हम गोनंदितिया डायनेस्टी राइट जो कहाँ से कहाँ तक थी अलेवन एटी टू 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 फोर्टी सिक्स बी सी से तक थी फिर उसके बाद जो मतलब ये थोड़ा सा ही टाइम में रहा था मतलब गोनंदा थर्ड जो पहले यहाँ पर आए थे ना थोड़े टाइम फिर उसके बाद ह्यूनस आ गए ह्यूनस के बाद फिर से गोनंदा डायनेस्टी आई सेकेंड टाइम जो ट्वेंटी फाइव टू फाइव सिक्सटी वन सी तक रही और इसको हम बोलते हैं ये वाली वो डायनेस्टी है गोनंदा डायनेस्टी जो किसने स्टार्ट की है मेगावाना मेगा, वाना. मेगा वाना जो है ये सबसे बेस्ट टेम्पर माने जाते हैं फिर गोनंदा डायनेस्टी के सेकेंड पीरियड के टाइम राइट अब जो है अब हम ह्यूंस के बारे में पढ़ेंगे तो ह्यून्स एम एम्पायर जो है इसका कहाँ से कहाँ तक टाइम रहा फाइव हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड एडी तक ये मतलब जो फिफ्थ टू सिक्स सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया है मतलब इन्होंने हंड्रेड इयर्स तक रूल किया कश्मीर पे राइट तो ये माना जाता है जो टॉर्मेंडो थे टोर्मेंटो थे इन्होंने ह्यून्स को लाया हेप्थलाइट्स लाइट्स जिनको बोलते हैं ह्यून्स ये सेंट्रल एशियन पीपल थे ठीक है ये सेंट्रल एशिया से आए थे इनको हम वाइट ह्यून्स भी बोलते हैं ये कनकर करते 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 आगे और बोलते हैं इन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को पूरा कवर किया था इंक्लूडिंग कश्मीर को भी राइट इन्होंने पूरे इसको नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को कवर किया था फिर आ, मतलब ये जो मैंने अभी बोला कि उन्होंने कश्मीर पे नियरली हंड्रेड इयर्स तक हुकूमत की है फिर इस जो ये टोरमेंडो थे टोरामेंडो थे इसका जो बेटा था जिसका नाम था कुल्ला, ठीक है कुल्ला जो थे वीट एजान और ओके वेलकम बैक तो हमने क्या अभी पढ़ा था दस ह्यून्स एम्पायर के बारे में कि इनको टोर्नामेंडो ने एक वो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे वो ही उनका मतलब एक से इसे बोलते हैं ना हेड था जिन्होंने वाइट ह्यून्स को यहाँ तक लाया और वो कन इतना वो, इतना वो कनकर करते करते गए कि उन्होंने इंडिया को इंडिया के जो नॉर्थ साइड से नॉर्थन इंडिया और सेंट्रल इंडिया को इंक्लूडिंग कश्मीर पूरा कनकर किया और उसके बाद जो है ये ह्यून्स जो है इन्होंने कश्मीर पे नियरली हंड्रेड इयर्स तक रूल किया राइट फिर इसका बेटा था जिसका नाम था महिरा कुला ठीक है किसका बेटा था टोरा मेंडो का तो इसने क्या किया था ये माना जाता है कि ये बहुत ही ह्यून था मतलब नोट्रस मींस ये वो इंसान होता है जिसके अंदर जोश तो बहुत होता है ब्रीव बहुत होता है बट उसके अंदर बैड क्वालिटीज़ होती है बहुत ही लालच भरा होता है उसमें तो मेहर कुला माना जाता है कि ये वैसा ही ह्यून था कि इसके अंदर बहुत लालच था ब्रेव तो ये बहुत थे बट लालच बहुत था जो ये चाहता था कि ये कनकर करता पूरा ही नॉर्थ इंडिया मगर इसको किसने हराया यशोधर्मन ने यशोधर्मन कौन थे ये रूलर थे मालवा के और मालवा में ही इसने इसको हराया और जब इस जो ही ये हार गया इससे तो इसने क्या किया बेचारा शर्मा के ये अब कश्मीर चला गया राइट और वहाँ पर इसने कन कर किया किसको गंदर को ठीक है गंदर उसने कन कर किया और वहाँ पर इसने क्या किया इसने डिस्ट्रॉय किया सारे श्राइन्स को जो बुद्धज़्माइन्स थे स्पेशली उसको उनको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद इसने कमिट किया एट्रोसाइट मतलब सुसाइड किया एट्रोसाइट मींस मतलब खुद को इतनी फिज़िकली तकलीफ देना इतना ज़्यादा खुद को आ, मतलब हर्ट करना कि डेथ हो जाए इंसान को ठीक है मीन्स उसने सुसाइड कर लिया अब इसके बारे में भी एक स्टोरी है ये बोला जाता है कि मेहर कुल्ला जो थे ये आ, मतलब एंशंट इंडिया जब आप पढ़ोगे वहाँ पर आप ये जानोगे कि मेहर कुल्ला जो थे ये चाहते थे बुधिज़्म में कन्वर्ट होना बट जो उस टाइम मॉक्स थे उन्होंने इसको आ, मतलब बुद्धिज़म में नहीं आने दिया उन्होंने ये बोला कि ये बहुत ही लालची है और ये बहुत ही क्योंकि इसने बहुत खून खराबा किया था बोलते जहाँ से भी जाता था वहाँ से लोगों को जो है मौत के घाट उतारता था तो उस वजह से इसके ख़िलाफ़ वो बहुत नफ़रत थी उनको तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा इंसान को हम अपने रिलीजन में एंटर करने नहीं दे सकते जो लोगों पर रहम नहीं करता जो इतना ये अच्छा इंसान नहीं है तो उस वजह से इन्होंने इसको जो है बुद्धिज्म बुद्धिज्म में एंटर करने नहीं दिया तो इसको वो एक वो बोलते हैं अंदर से एक गुस्सा रहा उनके खिलाफ कि इन्होंने इसको बहुत उनसे नफ़रत होगी बुधज़म बुद्धिस्ट की बुद्धिज़म की नफरत होगी कि इन्होंने मुझे एंटर करने क्यों नहीं दिया बोलते फिर जहाँ से भी चलता था जब भी कोई बौद्ध दिखता था इसको ये उसको मार देते थे ये नहीं देखते थे कि मतलब इसकी गलती है नहीं है कुछ भी नहीं होता था इनको सीधे ही मार देता था तो फिर लास्टली इसने खुद ही कमेंट खुद को खुद ही सुसाइड कर ली ठीक है फिर इसके बारे में ये बोला जाता है मिहिर कुल्ला के बारे में कि ये बहुत ही फेमस यूना किंग थे क्यों ये इतने फेमस थे कि सेंग ने जो अपना उसका ट्रैवल हिस्ट्री था उसमें इसको मेंशन किया है बट इसने इसने भी बोला है कि ये फर्स्ट प्रोसिक्यूटर थे बुद्धिज़म के मतलब सख्त खिलाफ थे बुद्धिज़म के एक तो होता है थोड़ा सा खिलाफ़ दूसरा होता है आप ख़ुद इमेजिन करो इतने खिलाफ थे कि जहाँ कहीं भी कोई बुद्ध दिखता उसको मार देते थे ठीक है और इसने खुद क्या किया इसने शेविज़म को फेवर किया और फिर इसने कंस्ट्रक्ट किया शिवा श्राइन कहाँ पर नियर श्रीनगर राइट फिर इसकी डेथ के बाद जब इसकी डेथ हो गई जब इसने सुसाइड किया उसके बाद जो ह्यून्स एम्पायर था ये थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होने लगा स्टार्ट टू डिक्लाइन फिर उस इसके बाद जो है इस डायनेस्टी में और भी रूलर्स आ गए जिसमें एक था बाका था नाका था अक्षा था अक्षय जो है इसने कौन से कौन सा टाउन फाउंड किया था अछबल ठीक है अछबल जो है उसको इसने फाउंड किया था किसने फाउंड किया था अक्षय अक्षय कौन थे ये ह्यूना किंग थे राइट गोपादित्य आ गए गोकर्णा आ गए गोपाल, गोपाल दित्य आ गए एंड युधिष्ठिर आ गए जो थे ये लास्ट ह्यूना रूलर थे ठीक है ये इस ये लास्ट रूलर रह गए थे ह्यूना का और इसको फोर्सफुली जो है कश्मीर को लीव कराया गया था मतलब इसको बोला गया था आप कश्मीर से निकल जाओ ठीक है किन्होंने बोला था जो उज्जैन रूलर्स थे वो आए थे अब वो पावरफुल बन गए क्योंकि ये डायनेस्टी तो अब कमज़ोर होती जा रही थी फिर इस पर जो है रूल बाकी करने लगे थे फिर उज्जैन रूलर्स ने इसको बोला कि आप जाओ और कश्मीर पे वैली पे जो है कि अब रूल करना शुरू किया उज्जैन रूलर्स आ गए ठीक है अब इतना समझ आ गया ह्यूना के बारे में ह्यूना वो लोग थे जिनका हम वाइट ह्यूनस भी बोलते थे और ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इनको किसने लेड किया था मतलब कौन इनका हेड किनको कौन इनको लेके आया गया टोरामडो टॉरामेंडो का बेटा कौन था मेहरकुला राइट मेहरकुला बहुत ही मतलब ये नोट्रसून था और वो चाहते थे कि वो सारा नॉर्दर्न इंडिया जो है वो कवर करता बट उसको किसने हराया बट उसको यशोदर्मा ने पहले ही हराया कहाँ पे मालवा में फिर उसके बाद वो हार के कश्मीर पहुँचे और गंदार कन कर किया और उसके बाद इसको बुद्धिज़म के सख्त खिलाफ थे इसने बुधाज़म बुद्ध बोझ की बहुत आ, मतलब आ, उनको किल किया बहुत सारे लोगों को इवन ह्यून सिंह ने इसको मेंशन किया आपने कांच में राइट तो इतने ये फेमस थे और इतने ये बहुत ही ज़ाल भी थे फिर इसने जो है कॉन्स्ट्रक्ट किया शिवा शाइन कहाँ पर श्रीनगर में ठीक है और अच्छा बल किसने किया एक अक्षय जो थे ह्यूना किंग थे उसने इस्टेब्लिश और सबसे लास्ट ह्यूना किंग कौन थे वो थे युदस्ट्रा ठीक है उसके बाद किन का रूल आया उज्जैन रूलर्स इतना आया समझ ठीक है हो गया यू ना एम्पायर ख़त्म तो अब उज्जैन रूलर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं ठीक है थीके? अब उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई उज्जैन रूलर्स की कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी जिसको हम बोलते हैं परामरस डायनेस्टी या हम बोलते हैं विक्रम आदित्याज एम्पायर ठीक है जो विक्रम आदित्य जो है ये उज्जैन रूलर की जो उज्जैन डायनेस्टी थी मतलब उज्जैन रूलर्स थे वो उसका फेमस किंग था ठीक है कश्मीर जब है जब ये उज्जैन रूलर्स के अंडर आ गया किन के बाद ह्यूनस के बाद लेकिन ये बहुत ही कम वक्त के लिए आया था फ़ॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ठीक है फिर इसका जो है पहले प्रताप आदित्य देखो विक्रम आदित्य जो है ये कहीं ना कहीं पे मतलब वो बोलते हैं ना मतलब इनका रूल चल रहा था इंडिया में तो अब विक्रम आदित्य हेड थे मतलब ग्रेट किंग थे अब ये थोड़ी हर जगह फिर ये छोटे हर एरिया में एक एक गवर्नर को रखते थे या हम बोलेंगे कि उस गवर्नर को किंग बना देते थे वहाँ का ठीक है ऐसे ही विक्रम आदित्य ने अपना एक रिलेटिव जो है जिसका नाम था प्रताप आदित्य इसको जो है रूलर बनाया ठीक है आ, ये जो है ये रिलेटिव थे किन के विक्रम आदित्य के अब ये ह्यून किंग के बाद ये बन गए किंग किसके कश्मीर के और इसके बाद इसको इसी को सक्सीड किया जो बाकी फिर इसी के लाइन में आ रहे थे बाकी आ, इसके रिलेटिव या इसके बेटे वगैरह जो ऐसे चलते चलते आ रहे थे तो उनको जो है वो किंग बन गए ठीक है अब जो है समावती जो थी जो था वो सबसे लास्ट रूलर बनाया किसका विक्रम आदित्य की एम्पायर का जिसका हम डायनेस्टी बोलते हैं इसका लास्ट रूलर बन गया कहाँ पर कश्मीर में ठीक है बट इसने क्या कि इसने किया थीके? इसने वालट्री कोट किया ठीक है इसने थ्रोन खुद ही छोड़ा क्योंकि किसको दे दिया मैगवाना को ठीक है मैगवहाना को दे दिया और उसी को मतलब मैगवाहना को यहाँ का एम्प्रयर बनाया और खुद क्या खुद मॉग बन के इसने इसने क्या कि इसने शेविज़म को प्रमोट करना शुरू कर दिया और इसलिए इसका टाइटल क्या दिया गया फिर आर्या राजा ठीक है आर्या राजा आप किसका टाइटल बन गया सम सम समदामती का ठीक है और आ, उन्होंने किसको वॉल्ट्री यहाँ पर मतलब खुद तो वॉलन्ट्री छोड़ दिया बट इधर किसको को बना के गए मैगवहाना को मैगवाहना ने अब कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट की गोनंदा डायनेस्टी ठीक है अब गोनंदा डायनेस्टी जो है फिर से आ गई ठीक है राइट ओके अब हम गोनंदा डायनेस्टी जो अब फिर से अगेन फिर से रूल में आई तो इसके बारे में हम जानेंगे ठीक है अब ये बोला जाता है कि जो गोनंदा डायनेस्टी जो है ये फिर से आ गई जब आप उज्जैन रूलर जो है कश्मीर में वो फिर से आप जब कमज़ोर होने लगे ना वो वीक उनका डाउनफॉल हो गए तो कौन आ गए आप गोनंदा डायनेस्टी ठीक है आ, तो मैगवहाना जो है ये युद्धस्ट्रा के ग्रैंड सन थे ठीक है जो अभी जिन्होंने खुद ही वॉल्ट्री छोड़ दिया तो उसी को जो है उसने इसको वो इसको जो है किंग बना के चले गए कश्मीर के ठीक है राइट right? वीट ओके okay, अब हमने जब गोनंदा डायनेस्टी सेकेंड आ गई तो जब उज्जैन रूलर्स जो है वो डाउनफॉल कर, कर गए उनका वो कमज़ोर जब पड़ गए तो किन का रूल फिर से आ गया गोनंदा डायनेस्टी का सेकेंड टाइम जो है फिर से रूल करने लगे अब ठीक है तो अब उसके बाद जो है जब ये डायनेस्टी फिर से आ गई इस टाइम कौन रूलर थे वो मैगवाना थे राइट मैगवाना जो है ये सबसे इम्पॉटेंट माने जाते हैं रूलर थे इसके गोनंदा डायनेस्टी के सेकेंड टाइम पे ठीक है फिर वो, ये मैगवाना जो थे ये एक्चुअली ग्रैंड सन थे किसके युद्धस्रा के फिर मैगवहाना जो है इसके बारे में ये बोला जाता है ये बहुत ही ज़्यादा बिलीव कर रहे थे किसमें में में और अहिंसा में मतलब नॉन वायलेंस राइट तो इसके बारे में ये बोला जाता है कि एक बार ये किसी श्राइन के से चल रहे थे इन्होंने देखा कि लोग जो है किसी जानवर को का को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फिर ये गए उनके पास बोला उनको आप इसको छोड़ो इसके बजाय आप मुझे सेक्रीफाइस करो मतलब मुझे मारो तो अब आप खुद देखो कि ये इससे हमें क्या पता चलता कि मैग वहा अ वेरी काइंड किंग राइट ये बहुत ही रहम दिल थे ठीक है तो इन्होंने ये बहुत ये नॉन वायलेंस मतलब ये वायलेंस नहीं करना चाहते थे ये बहुत ही खिलाफ थे वायलेंस के और इन्होंने क्या किया फिर इन्होंने इसके बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने हंटिंग और स्लाटरिंग जो एनिमल्स की होती थी सेक्रीफाइस के लिए या रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए वो बैन किया था अपने किंगडम में राइट ये वाला पॉइंट दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दैगवान वाज द king who who, prohibited, who 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 prohibited the uh, hunting and slaughtering of animals for sacrifice and rituals in his kingdom right फिर इसकी कोईन थी जिसका नाम था अमृत प्रभा और उसी ने बनाया गया अमृत भवन बाव, विहार राइट right? फिर और रूलर्स आ गए इसके बाद मैगवाना के बाद जिसमें एक था विक्रमादित्या्य परवरसना सेकेंड आ गए युद्धिसरा सेकेंड आ गए रानादित्या्य और बाला बालादित्या्य जो बाला बालादित्या थे ये सबसे लास्ट रूलर थे किसके गोनंदा डायनेस्टी के जी लास्ट रूलर थे बट जो परवरसेना सेकंड थे ये बहुत ही बोलते काबिल रूलर थे और इन्होंने अपनी जो किंगडम थी जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो एक्सटेंड की थी बढ़ाई थी कहाँ तक सौराष्ट्रा तक ठीक है और इसने जो है कैपिटल किसको बनाया था परवरसेन पुरा को परवरसेनपूरा कौन है वो प्रेजेंटली जो सरनगर की जो मॉडल है उसको तब नाम था परवरसेन पुरा राइट फिर इसने जब सक्सेसफुली रूल किया सिक्सटी इयर्स तक उसके बाद परवरसना सेकेंड को किसने सक्सीड किया युद्रा सेकंड सेकेंड ने मतलब युद्धिठरा सेकंड ने रूल किया उसके बाद रजिस्ट्रा के बाद कौन आ गए राना दितिया राना द्वितिया के बाद कौन आ गए बाला बालादितिया जो है ये सबसे लास्ट किंग थे किसके गोनंदा डायनेस्टी के ठीक है और ये बोला जाता है कि इसने अपनी बेटी की शादी फिर किसके साथ की दुर्लभ वरदाना दुर्लभ दुर्लभ वरदाना जो है वो इस टाइम किंग नहीं थे राइट कोई किंग नहीं थे वो वो सिर्फ़ इसके कोर्ट में जो है मतलब वो होता है ना मतलब इसके वहाँ पर दरबार में वो एक एक तरह से आप बोलो एक मुलाजिम थे ठीक है दुर्लभ वरदाना बट दुर्लभ वरदाना किस डायनेस्टी से थे मतलब ये किस दैनस्टी? करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ठीक है ये वहाँ पर अब इससे जो है होता है ना कोई किसी इंसान से बादशाह बड़े प्रसन्न होते थे राइट किसी से बहुत वो इम्प्रेस हो जाते थे तो दुर्लभ वरदाना से बालादित्य बहुत इम्प्रेस हो गए उन्होंने इससे अपनी बेटी की शादी कर दी तो फिर इसी को जो है बादशाह बनाया ठीक है इसी के हाथ में थ्रोन दिया कि चलो अब आप, आप रूल करो बट ये थोड़ी अब गोनंदा डाइनासिटी है ये वही डायनेस्टी चलाता है क्योंकि ये इसका ला था ठीक है तो ये जिस डायनेस्टी से था ये वही डायनेस्टी आगे कर तो ये कहाँ से बिलोंग करता था ये कर, करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करता तो ही स्टार्टेड द करकोटा डायनेस्टी तो यहाँ से फिर स्टार्ट होता है रूल ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर ठीक है तो जो ये करकोटा डायनेस्टी है ये हम इनशाला डिटेल में सेकेंड लेक्चर में जो दूसरा लेक्चर आएगा नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द करकोटा डायनेस्टी इन दैट कर और विद करकोटा डायनेस्टी और एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो फिनिश हो जाएगा और उसके बाद आता है उत्पला डायनेस्टी और उत्पला डायनेस्टी से जो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है वो स्टार्ट होता है फिर हम उसमें कुछ हिंदू रूलर्स आए थे मुस्लिम रूल आया था एंड मुगल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे देन आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द एंशंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न जो है वो एक साथ पढ़ाऊँगी ठीक है जे एंड के का सो so, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा टेंशन ना लो ठीक है अब गोनंदा डायनेस्टी को थोड़ा सा लास्टली रिक्रेप करते हैं गोनंदा डायनेस्टी जब सेकेंड टाइम आ गई तो तब उज्जैन रूलर्स जब डाउन फॉलो गए तो, तो थे तो गोनंदा डायनेस्टी आ गई थी और इसको स्टार्ट किसने किया था मैगवहाना ने और मैगवाना किसके फॉरम बिलीवर थे बुद्धिज़्म के और अहिंसा के और ही प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स इन हिज किंगडम राइट और इसी की कोइन थी अमृत प्रभा जिसने क्या बनाया अमृत भवन विहार और इसी डायनेस्टी का सबसे जो लास्ट रूलर था वो था बालदित और इसने जो है अपनी बेटी की शादी दुर्भ वरदाना से की जो इसके को मतलब एम्प्लॉय रहे थे और उसके बाद इसने उसके हाथों में ही यहाँ का रूल थमाया तो ही फाउंडेड द अनदर डायनेस्टी नोन एज करकोटा डायनेस्टी ठीक है दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह और दिस वाज ऑल अबाउट for today today's lecture so thank you so much for watching this and please do subscribe like and share kare or stay blessed have a nice day thank you